अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अमदाद सुमरो। आज फिर लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लेडिएटर से PSL 5 का मैच जीता है। दूसरा मैच है मुसलसल जो लाहौर कलंदर जीत रहा है। इससे पहले मुसलसल हार रहा था। शायकीन जो अभी स्टेडियम से निकले हमारे साथ हैं, एक फैमिली हमारे साथ है। आप किसको सपोर्ट करने आए थे आज? हम लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने आए थे और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारी वजह से हम आए हैं सपोर्ट में, तो लाहौर कलंदर जो है वो जीता है। अच्छा, पहले तो मुसलसल लाहौर कलंदर हार रहा था, अब जीत रहा है, तो ये उस जीत की वजह आपको क्या नजर आ रही है? कोई उन्होंने हिकमत अमली बदली है, उनकी किस्मत बदली है? डेफिनेटली हिकमत अमली भी बदली है, और फिर ये है कि अब अच्छा खेलना शुरू किया है, लोग फॉर्म में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है क्रिकेट में। आपको क्या लग रहा है, किस्मत बदली है या उन्होंने खेल बदला है अपना? आई गेस दोनों, किस्मत का भी साथ है और ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी है, तो ऑब्वियसली जब मेहनत करते हैं तो आपकी किस्मत डेफिनेटली खुद ही बदल जाती है। सो बहुत खुशी हुई है कि लाहौर कलंदर जीता है। वैसे तो PSL जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए ही है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में भी जितने भी प्लेयर्स थे वो भी हमारी अपनी टीम है। बट ये है कि बींग लाहौरियाइट्स हम लोग को ऑब्वियसली ज़्यादा जो थी आज खुशी, क्योंकि हम लाहौर का आज मैच था और लाहौर की टीम खेल रही थी, तो हमारी सारी दुआएं और सारी जो सपोर्ट थी दैट वाज फॉर लाहौरिया। तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएगी? इंशाल्लाह, उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अच्छी उम्मीद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं अब शायकीन, क्योंकि मुसलसल एक बड़ी तादाद में जो आए थे वो निकल रहे हैं। ये सरदार जी जो हैं ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं। सरदार जी, सरदार जी कैसा कैसा लगा आज का लाहौर कलंदर्स को दोबारा जीता देखकर? जी बहुत अच्छा लगा, और एक टूर्नामेंट में वापसी आई है लाहौर कलंदर की, इससे ना कि सिर्फ लाहौर कलंदर की वापसी है बल्कि पूरे टूर्नामेंट की वापसी है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा है अब। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की किस्मत अब साथ दे रही है, खेल उन्होंने बेहतर किया अपना? देखें, टैलेंट हर बंदे में, लेकिन उनको कभी कभी बैड डे और गुड डे अच्छे क्रिकेट में होती है, तो उनका आज अच्छा दिन लगा, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कंडीशन का फायदा उठाया, टॉस जीते, तो आधा मैच तो आप टॉस जीतने पे हैं, जैसे टॉस जीते बॉलिंग का फैसला किया, जो कि अच्छा डिसीजन था। दूसरी बार लाहौर कलंदर जीत रही है PSL 5 में। लेडी, हम इस बात पर बहुत खुश हैं कि आज हम दोबारा यहाँ पर मैच देखने आए हैं, और लाहौर को जीते देख के लाहौरी होने के नाते हमारे जितने जज्बात हैं हम अपने जज्बात को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन आज हम जितना खुश हैं, इतने अच्छे तरीके से लाहौर की टीम खेली है और एक पूरी टीम एफर्ट हुई है, और ये सब कुछ जो हुआ है इसमें जो बिल आखिर जो फतह है वो बेसिकली पाकिस्तान की है। आपको क्या, आपको कैसा लगा जी देखकर आज? आपको कैसा आज, किसका खेल ज्यादा पसंद आया, और आप समझते हो लाहौर कलंदर्स फाइनल्स में जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी ले आएगा? इंशाल्लाह जाएगा, अगर इसी तरह अच्छा खेलता रहा तो जरूर जाएगा वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाहौर दूसरी दफा दोबारा जीता। आज खेल किसका अच्छा लगा ज्यादा? लाहौर का खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छा खेला आपके ख्याल में? आप ही को बता दें, उसने इतना नोट नहीं किया। अच्छा, दोबारा लाहौर कलंदर जीता है, आपको लग रहा है कि अब फाइनल्स में लाहौर कलंदर जाएगा? इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद दोबारा से आ गई है हमें कि पाकिस्तान ये लाहौर कलंदर दोबारा मैच जीतेगा। अच्छा, आप मुसलसल लाहौर कलंदर हार रहा था, आप आज ये सोच कर आए थे कि जीतेगा, क्योंकि पहले भी क्वेटा ग्लेडिएटर्स को ही हराया? जी बिल्कुल, मुझे पता था कि जीतेगा, इंशाल्लाह आगे भी जीतेगा। हाँ, इसकी वजह क्या है? बस लगता था कि जीतेगा, हाँ जी, अब आगे इंशाल्लाह फाइनल्स भी जीतेगा। तो आप आएंगे अब मुसलसल लाहौर कलंदर घर में? जी जरूर आएंगे देखने, इसी तरह ही आएंगे, होने चाहिए, हमें आना चाहिए। दूसरी जीत है लाहौर कलंदर्स की आज। यार हमारा असल में स्टेडियम में मैच देखने का पहला एक्सपीरियंस था, वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग लाइक द लास्ट मैच, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि मैच इतना मज़ेदार नहीं हुआ लाइक T20 के मुताबिक, बट इट वॉज अमेजिंग, पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है। आपने एंजॉय किया बच्चे? मैंने एंजॉय किया, बट द मैच वाज नॉट इंटरेस्टिंग क्योंकि स्कोर वाज नॉट बिग, ज्यादा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आपको क्या लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स फाइनल्स में जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, बट वी आर हैप्पी फॉर राणा साहब। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और अल्लाह से ये दुआ है कि ये हर बार ऐसे ही खेले जैसा वो आज खेल रहा है। बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया, बस किसी इमरजेंसी की वजह से हम जा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह फाइनल में आएगा, हमारी दुआएं लाहौर कलंदर के साथ है, और इंशाल्लाह वो जीतेगा, और उम्मीद भी है आज के मैच से, तो हमारी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है।
इंशाल्लाह जीतेगा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे ही लाहौर को रखे कि लाहौर जीता जाए और हम बाकी टीम्स को हराता जाए। बहुत अच्छा लगा। हम फाइनल के बारे में बताइए। फाइनल के बारे में इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे, जैसे पहले दुआ करते आए हैं, तो आज हमारी दुआ कबूल हुई है। इंशाल्लाह ऐसी दुआ करते रहेंगे तो फाइनल भी जीत जाएगा। आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जीत गया है, लाहौर कलंदर जीत गया। हाँ जी, मैं लाहौर को सपोर्ट करने आया था और लाहौर ने आज बहुत अच्छा खेला और वो जीत गया है। कैसा लगा आज मैं उसका खेल देख के लाहौर कलंदर? बहुत अच्छा, उन्होंने 98 पे ऑल आउट कर दिया, वो बहुत मजा आया। फाइनल में जीत जाएगा, ट्रॉफी ले लेगा इंशाल्लाह। दुआ करते हैं हम अल्लाह से कि जीत जाएगा। ये लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं, गो के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ, मैच उस तरह का थ्रिलिंग नहीं था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि क्रिकेट बहाल हुई है, लाहौर कलंदर्स भी PSL में वापस आ गया जिसकी वापसी की उम्मीद कम थी, तो शायकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और आगे तवक्कु कर रहे हैं कि मज़ीद बेहतर खेल खेलने को और देखने को मिलेगा।